इसमें हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के प्राइवेट वाले बच्चों के लिए। अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरने में जब आप यहाँ पे फीस पे जाएंगे, फीस पेमेंट पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपसे वो मांगेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ में आपसे मांगता है आपका रोल नंबर। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना होता है, यहाँ पे रोल नंबर देना है, ठीक है। जब आप इसको फिल कर देंगे तो यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। अब प्रोसीड करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आपके पास आएगा HDFC बैंक का, एक आएगा आपके पास ICICI बैंक का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास HDFC का नहीं है, तो देखिए चाहे आपके पास किसी भी बैंक का हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी बैंक का हो आप HDFC को सिलेक्ट कीजिएगा और HDFC सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, उस पेज के अंदर लिखा रहेगा कि HDFC डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर बैंक डेबिट क्रेडिट कार्ड। वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको UPI का, तो UPI पे जाना, UPI के थ्रू आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे जो भी आपकी UPI की ID है वो UPI ID डालनी है, वहाँ से प्रोसीड करना है। आपके गूगल पे पर या फ़ोन पे पर एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, पॉपअप आएगा, उस नोटिफिकेशन पे जाना है, वहाँ से पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको वापस से इस पेज पे आ जाना है ताकि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है HDFC बैंक पे जाओ और UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। UPI होना चाहिए, बस UPI है तो आप पेमेंट कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको HDFC का ही चाहिए। HDFC का होने के बाद मान लीजिए HDFC का है तो आप फिर तो आप कर ही लोगे, मान लीजिए नहीं भी है तो आप दूसरे डेबिट कार्ड, दूसरे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई हो, बाकी कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।